हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे विद रिगार्ड टू योर जो बोर्ड एग्ज़ाम जो आने वाला है इस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 5 मार्क क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर देखा गया है कि स्टूडेंट जो है वो मतलब टॉपिक्स को डिवाइड कर लेता है कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इन टॉपिक्स पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन, इन टॉपिक्स पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, तो इसका जो डेरिवेशन है थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, तो ये मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताया गया है कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली आपने 5 मार्क्स के लिए इसका पूरा डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लिया। अब एग्जाम में इस टॉपिक पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया, मतलब 1 मार्क या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और वो अनएक्सपेक्टेड था और वो हम कर नहीं पाए। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट करता है वो क्या बोलता है कि यार जब पढ़ना है या फिर टीचर आपको बोलेगा कि पढ़ना चाहिए विद कॉन्सेप्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगा के पढ़ना चाहिए, चीज़ को समझ के पढ़ना चाहिए। पर ये जो बोल रहे हैं कि चीज़ को समझ के पढ़ना है, कॉन्सेप्ट लगा के पढ़ना है, तो मतलब क्या पढ़ना है? मतलब डेरिवेशन तो आपने पढ़ लिया था, फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाया? ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। मतलब अगर एक हमको अगर एक डेरिवेशन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है, डेरिवेशन का रिजल्ट भी हमको पता है, फिर उस रिजल्ट को हम लोग जो छोटे 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन में हम लोग को उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में वो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले तो ये हमको ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूले में सिंबल्स क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या ये चीज़, जैसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो मतलब अगर ये लेंस है, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है और ये आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, दिस इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सर्फेस एंड दिस इज द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सर्फेस। तो इस सर्फेस का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो है R1, और ये सेकेंड सर्फेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हो गया R2। ठीक है, N2 यहाँ पे हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। ठीक है, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एंड N1 हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, और F हो गया इस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, बट ये जो फोकल लेंथ है, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम N1। ठीक है, तो ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, इस लेंस मेकर फॉर्मूले से हमको पहला चीज़ ये ऑब्जर्व करना है कि जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। ये है N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड इट डिपेंड्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द 2 सर्फेसेस। जो 2 सर्फेस है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि आपको ये लेंस एक मीडियम में रखा और मीडियम में रखने के बाद दिस लेंस बिकम्स इनविजिबल, सो व्हाट कैन यू से अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर N1 इज इक्वल टू N2 हो गया, N1 इक्वल टू N2 हो गया, तो ये जो क्वांटिटी है ये तो 1 हो गया, तो 1 - 1 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो अब ये जो 1/F है, 1/F, ठीक है, तो 1/F का जो वैल्यू है वो आपका कितना आएगा, वो आपका 0। ठीक है, तो 1/F का वैल्यू अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये जो लेंस है, दिस लेंस, इट इज बिहेविंग लाइक ए प्लेन ग्लास। ठीक है, मतलब अगर लेंस एक ऐसे मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, ठीक है, सो इन दैट केस द लेंस विल बिहेव लाइक ए प्लेन ग्लास, वो मतलब इनविजिबल होगा, वो दिखेगा नहीं, करेक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, तो फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द चेंज इन द फोकल लेंथ इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज से इंक्रीज, वेवलेंथ को इंक्रीज किया है। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो लेंस है, तो नॉर्मल केस अगर इसमें कुछ और डिस्कस नहीं किया है तो मान लेते हैं कि जो लेंस है वो एयर में रखा हुआ है, तो एयर में रखा है तो नॉर्मल केस 1/F इज इक्वल टू N-1 1/R1 -1/R2। ठीक है, N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। ठीक है, अब हमको ये पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, दिस इज कॉची लॉ, कॉची लॉ। ठीक है, और यहाँ पे फोकल लेंथ है वो
1 by f is equal to ये quantity है, तो इसका मतलब जो focal length है वो inversely proportional to refractive index है, और जो refractive index है वो inversely proportional to wavelength है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो focal length होगा वो directly proportional to wavelength होगा, करेक्ट? तो focal length अगर directly proportional to wavelength होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर wavelength of light increase होगा तो focal length भी increase होगा, करेक्ट? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज हुआ है तो फोकल लेंथ में क्या चेंज होगा, तो ये आपको चीज एक्सप्लेन करना है, ऐसे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट विदाउट रीजन आंसर नहीं लिखना है, आपको रीजन भी प्रॉपर रीजन लिखना है, इवन इफ इट इज वन मार्क क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको लिखना क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सो इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड द फोकल लेंथ इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा नाउ, अच्छा यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब अगर n2 n1 से बड़ा है तो ये जो लेंस है वो कैसा बिहेव करेगा, अगर n2 n1 से छोटा है तब ये लेंस कैसा बिहेव करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं, सपोज कर लीजिए कि बाईकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? तो बाईकॉन्वेक्स लेंस में पहली चीज़, ये तो फर्स्ट सरफेस है तो इसका रेडियस हम लोग इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है? ये सेकेंड सरफेस, इसका रेडियस हम लोग इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज आर टू, सो ऑब्वियसली अगर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे तो जो आर वन होगा वो तो पॉजिटिव होगा और जो आर टू होगा वो निगेटिव होगा, दिस इज यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो आर टू अगर निगेटिव होगा आर वन पॉजिटिव होगा, आर टू निगेटिव होगी यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो इसका मतलब ये जो पूरा क्वान्टिटी होगा ये क्वान्टिटी पॉजिटिव क्वान्टिटी है, ठीक है? अच्छा अगर n2 n2 greater than n1 है, n2 greater than n1 है, तो ये जो क्वांटिटी है ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो मतलब क्या है, जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, ठीक है? फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना? अच्छा अगर n2 less than n1 है, ठीक है, n2 अगर लेस देन वन n1 है, तो ऑलरेडी देखिए ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ठीक है? मगर n2 अगर लेस देन n1 हो गया तो ये जो क्वांटिटी है ये तो निगेटिव हो गया, करेक्ट? अगर ये क्वांटिटी निगेटिव है ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव, इसका मतलब जो फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव होगा, तो फोकल लेंथ अगर निगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है, जो लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब लेंस तो कन्वर्जिंग था मगर इसको इस मीडियम में रखने की वजह से इट इज बिहेविंग लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है? तो दिस इज हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम अफेक्ट्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है? तो आई होप आपको ये जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है? होप आपको आपका बोर्ड एकदम अच्छा जाए, माई बेस्ट विशेस टू यू।